मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो अपन लोग पढ़ रहे थे अबाउट बुक्स एंड कुरियर, जहां पे अपन लेटर वेडिंग एज के बारे में पढ़ रहे थे, और वहां अपन ने इकोनॉमिक लाइफ और सोशल लाइफ के बारे में पढ़ लिया था। कल आज अपन पढ़ेंगे वहां की एजुकेशन सिस्टम के बारे में, वहां पे किस टाइप की एजुकेशन मिलती थी, किस तरीके से मिलती थी। इन लेटर वैदिक एज द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिकेम प्रेवलेंट, यानी कि लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, एजुकेशन के लिए गुरुकुल सिस्टम चलते थे जो कि बहुत प्रचलित थे उस समय पे। The students or the shishyas lived in the teacher's or guru's house, gurukul, and learned their lessons from the guru. यानी कि क्या होता था, जो शिष्य होते थे, जो स्टूडेंट होते थे, उनको शिष्य कहा जाता था उस समय। तो वो लोग क्या करते थे, टीचर के जो हाउस होता था, जिसको गुरुकुल के नाम से जानते हैं, वहीं पर रह करके और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। In addition, the students also undertook various household tasks for their guru. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो अपने टीचर के लिए बहुत से और भी दिन प्रतिदिन के कार्यों को किया करते थे, such as cooking, जैसे कि cooking करते थे टीचर के लिए, cleaning का काम करते थे, सफाई वगैरह, tending to cattle, यानी cattle वगैरह को चरा के लाना, उनका ध्यान रखना, वो सब भी करते थे, collecting firewood और आग जलाने के लिए लकड़ियां भी वो लोग बीन करके लाया करते थे। The guru would not accept any fees from the students. और जो उस समय गुरु हुआ करते थे, वो शिष्यों से किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं वसूलते थे। And the students usually offered dakshina or an offering to their teacher. और जो स्टूडेंट हुआ करते थे, वो अपने टीचर को दक्षिणा दिया करते थे, या फिर अपने टीचर को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई उपहार दिया करते थे। एजुकेशन वॉज हाउएवर लिमिटेड टू द थ्री अपर कास्ट। अब ये एजुकेशन हुआ करती थी, ये सिर्फ और सिर्फ जो चार कास्ट हैं, जो चार इन्होंने कास्ट बांटी है, उनमें से अपर तीन के लिए ही अवेलेबल थी। ऑल्सो वुमेन्स वर नॉट सेंट टू गुरुकुल्स, और साथ ही साथ वुमेन्स को भी गुरुकुल्स में जाना अलाउ नहीं होता था। The main subject taught in the Gurukul were philosophy, religion, logic, grammar, astronomy, medicine, ethics and arithmetic. यानी कि अब जो इन गुरुकुल्स में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था, वो सारे सब्जेक्ट्स कौन कौन सी होती थी, वो होती थी फिलोसफी, रिलीजियन के बारे में अलग अलग लॉजिक्स वगैरह देते थे उनको, ग्रामर का भी ज्ञान उनको वहां पे मिलता था, एस्ट्रोनॉमी खगोल विद्या जो होती है, स्पेस साइंस से बोल सकते हैं अपन आज की लैंग्वेज में, मेडिसिन, इसके अलावा एथिक्स और अरिथमेटिक्स, ये सारी के सारी सब्जेक्ट्स का ज्ञान उन गुरुकुल्स में उन शिष्यों को मिलता था। मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउसहोल्ड रिसीव्ड ट्रेनिंग इन धनुर्विद्या, साथ ही साथ जो उन शिष्यों में रॉयल फैमिली से बिलोंग किया करते थे, उनके लिए धनुर्विद्या भी दी जाती थी। The pupil observed strict discipline, obedience and respect for teachers. और साथ ही साथ जो यहाँ के स्टूडेंट हुआ करते थे, वो लोग उस समय बहुत ही strict discipline को follow करते थे, साथ ही साथ वो आज्ञा का पालन करते थे और टीचर की respect भी हमेशा किया करते थे। तो इस तरीके से education की पूरी स्थिति later Vedic age में विद्यमान थी। अगला है food and drink. People ate a diet of rice, wheat, barley, ghee, meat, fish, besides fruits and vegetables. अब later Vedic age में क्या है कि जो लोग हैं वो fruits और vegetable के अतिरिक्त चावल खाते थे, गेहूं, barley, घी, meat and fish, इन सभी चीजों को भी वो लोग कंज्यूम किया करते थे। सोमरस एंड सुरा वर ऑल्सो कंज्यूम, और साथ ही साथ सोमरस और सुरा का भी वो लोग यूज किया करते थे। सोमरस और सुरा, जैसा मैंने पहले पढ़ा था, ये दोनों इंटॉक्सिकेंट चीजें होती हैं, मादक पदार्थ होते हैं। मिल्क, बटर, चीज एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स वर ऑल्सो कंज्यूम, और साथ ही साथ उस समय दूध, दही, घी, मक्खन, यानी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी वो लोग अधिक से अधिक यूज किया करते थे। एज कैटल्स वर एक्सटेंसिवली डोमेस्टिकेटेड, और रीजन क्या था इस सबको अत्यधिक कंज्यूम करने का, रीजन सिर्फ इतना था कि लेटर वैदिक पीरियड में लोग मवेशियों को अत्यधिक पाला करते थे। अगला है रिलीजियन। रिलीजियस प्रैक्टिसेस अंडरवेंट मेजर चेंजेस इन द लेटर वैदिक एज। अब क्या हुआ, लेटर वैदिक एज में
रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उसमें बहुत सारे और महत्वपूर्ण और बड़े बड़े चेंजेस हुए. द अर्ली गॉड एंड गॉडेस हु वर मोस्टली मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंट एंड न्यू डेटी सच एज विष्णु शिवा एंड ब्रह्मा केम टू बी वर्शिप. यानी क्या हुआ कि पहले जिन देवी और देवताओं की पूजा करती थी वो लोग क्या होते थे, वो लोग कहीं ना कहीं जो नेचर हुआ करता था उससे वो लोग संबंध रखते थे. लेकिन क्या हुआ लेटर वैदिक एज में इन्होंने अपना महत्व खो दिया और नए नए विष्णु शिव जी और ब्रह्मा के नाम से नए देवी देवताओं को जो है यहाँ पे उजागर हुआ और उनकी पूजा की जाने लगी. रिलीजियस रिचुअल्स बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड इलैबोरेटेड. साथ ही साथ क्या हुआ जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो भी क्या हुए बहुत जटिल हो गए और बहुत ही उनको बढ़ा चढ़ाकर विस्तारित कर दिया गया. एंड रिलीजियस वॉज नाउ एन एक्सपेंसिव अफेयर विद इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस और याचना. साथ ही साथ क्या हुआ अब जो है रिलीजियन एक एक्सपेंसिव अफेयर हो गया यानी कि अब इसमें धन संपदा अत्यधिक खर्च होने लग गई. साथ ही साथ क्या हुआ यहाँ इस समय लेटर वेरी पीरियड में क्या हुआ सैक्रिफाइस यानी कि जानवरों की बलि वगैरह हो और याचना यानी यज्ञ वगैरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. द कॉमन पीपल कुड नो लॉन्गर अफोर्ड सैक्रिफिशियल रिचुअल्स ऑफ एनिमल्स व्हिच हैड नाउ बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एवरी रिलीजियस सेरेमनी. अब क्या हुआ जो कॉमन पीपल थे वो लोग क्या करते थे कि वो लोग इन सारे जो जानवरों की बलि वगैरह सैक्रिफाइस जो करते थे वो सब कॉमन पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते थे. जबकि ये सारी चीजें जो हो रही है सैक्रिफाइस जो हो रहा है या कोई भी यज्ञ वगैरह हो रहे हैं रिलीजियस सेरेमनी हो रही है वो सभी क्या थे जो एक पूरा जो रिलीजन है उसका इनसेपरेबल पार्ट बन चुके थे. यानी कि अब कॉमन पीपल उन सबको नहीं कर पा रहे थे क्यों क्योंकि वहां पे धन संपदा अत्यधिक खर्च हो रही है. द ब्राह्मणास कंडक्टेड दीस सैक्रिफिशियल रिचुअल्स ऑन बिहाफ ऑफ द किंग. और जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे वो राजा के बिहाफ पे ये सारे कार्य किया करते थे. एंड द वेल्दी पीपल और साथ ही साथ वेल्दी पीपल के बिहाफ पे भी करते थे. एंड रिसीव गिफ्ट्स इन फॉर्म ऑफ गोल्ड क्लोथ्स एंड काउ. और साथ ही साथ ब्राह्मणों को इसके बदले में गिफ्ट मिलते थे चाहे वो गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है कपड़ों के फॉर्म में या गायों की फॉर्म में भी हो सकता है. न्यू रिलीजियस कंसेप्ट सच एज कर्मा आत्मा मोक्ष इमर्ज. और क्या हुआ इस समय नए नए कंसेप्ट भी आने लगे. कौन कौन से आए कि भाई कर्मा का आया कि जैसा कर्म करोगे ऐसा कुछ वैसा फल पाओगे. इस टाइप की कर्मा वाली चीजें आई आत्मा वाली चीजें आई और मोक्ष प्राप्ति वाली इस टाइप की चीजें भी लेटर वैदिक पीरियड में आई. गुड एक्शन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियस टेनेंट्स वर कंसीडर्ड वाइटल टू अटेनमेंट ऑफ सल्वेशन. और साथ ही साथ क्या कहा जाने लगा इस समय यह कहने लगे लोग कि अच्छे कार्य और रिलीजियस जो सिद्धांत हैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण मानने लगे. क्यों क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी. तो इस तरीके का रिलीजियस एक्टिविटीज में भी काफी यहाँ पे चेंजेस हुआ. जो अपन अगर कंपेयर करें अर्ली ऋग वैदिक पीरियड और लेटर ऋग वैदिक पीरियड में तो अपन को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. तो आज के लिए इतना ही बाकी कल अगला टॉपिक पढ़ते हैं मेगालिथिक्स के नाम से.